तहसील के नगला सपेरा के साथ संप्रदाय के लोगों ने नाजायज कब्जे को लेकर तहसीलदार मनोज कुमार वैष्णव को सौंपा ज्ञापन। सोमवार दोपहर ना संप्रदाय के लोग अपनी स्त्री एवं बच्चों सहित तहसील प्रांगण पहुंचे और मोदी योगी हाय हाय के नारे लगाकर न्याय की गुहार लगाने लगे। लोगों ने काफी रोष भी था और दुखी होकर ज्ञापन तहसील देने पहुंचे, जल्द सुनवाई की मांग भी की। विंदुनाथ ने बताया कि पिछले करीब 100 साल पहले से हमारी बस्ती नगला सपेरा से भरी हुई है और सरकारी योजना इंदिरा आवास के तहत सड़क नाली खरंजा आदि का निर्माण हो रखा है एवं पेड़ भी लगाए हुए हैं। हमारा गांव नगला सपेरा खसरा संख्या 24 में दर्ज है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगला उदयपुर के जगदेव चौधरी पुत्र चौहाल सिंह ने हमारे गांव की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हमने पहले भी पैमाइश कराई थी तो गांव के ही भूमि उसके खेत में निकल रही है, जिसे इनकार करता है और वह दबंगई दिखाता है। शनिवार की करीब 3 बजे उसने हमारे बेटोरा बुर्जी और पेड़ उखाड़ तहस नहस कर डाला। हमने पुलिस एवं लेखपाल से भी शिकायत की मगर कहीं ने कुछ भी नहीं सुनी। उन्होंने ज्ञापन देकर दबंग माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। तहसीलदार मनोज कुमार वाष्णे ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। समस्या ये है, जो हमारी जमीन लेकर रहे जगदेव चौधरी के खेत में, वो हमें देता नहीं है। जबरदस्ती ये बिल्डर चला दी उनने, जबरदस्ती हमारी वो जमीन लेकर रही है, वो भी दाब ली और जबरदस्ती और भरना चाहता है। आपने संबंधित करी कंप्लेंट की? कोई कंप्लेंट कई बार कही, हमारी सुनवाई नहीं हुई है। ये कहाँ का मामला है? ये DIV कॉलेज के पास नंगला सपेरा। बिंदुनाथ सर, आज किस बात के लिए आप आए हैं कि नारे लगा रहे हैं तहसील में? सर, हमारे जे DIV कॉलेज के पास नंगला सपेरा करीब 100 वर्ष से बसा हुआ है और उसमें इंदिरावास मकान बने हुए और CC खरंजा बना हुआ है और नाली बनी हुई, हेडपंप लगे हुए, और उसमें हमारे गांव के पिछली साइड में जगदेव चौधरी का खेत है। तो उसने 23 तारीख को हमारे गांव के पिछली साइड में जितने भी पेड़ बुर्जी बिटोड़े बिल्डोजर चलवाकर और सबको फेंकवा दिया है साहब। आपने इसकी शिकायत की है कहीं? शिकायत काफी की है साहब, 2-3 बार पैमाइश की है। उसके खेत में 10 कड़ी हमारी अंदर निकलती है, वो हमें नहीं देता है और हमारी को वो गांव को कब्जा करना चाहता है कि ये गांव वाले यहाँ से भाग जाएं। नहीं, आपने संबंधित अधिकारियों को इसको संज्ञान में लगाया कि नहीं? पैमाइश कराई है साहब कई बार पहले। अब क्या चाहते हैं आप? अब सर ये चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए। वो जो हमारे सामान फेंकवाए गए बे नाजायज, उसकी पैमाइश होती नहीं, उसको पैमाइश कहते, वो पैमाइश अपने रकबे की बिल्कुल नहीं करवाता है।